Do you want to know the journey of this YouTube channel from zero subscriber to 1000 subscribers, journey of last 6 months, and what I lost, what I gained? Just watch this video till the end. Hello everyone, welcome back to this YouTube channel, The Immigration Gurus. This is Jitendra Grover, research scholar at ATS Montreal, Canada. First of all, thank you so much for making this channel a channel of 1000 subscribers. Yes, we have done it. So jo bhi subscribers starting se jude hain, they have seen my journey. Kuch log beech mein jude hain, people are still joining this journey. So I just want to share the entire journey, the immigration gurus, why I joined, kaisa ye channel ka growth raha hai, and how I try to improve everything. Okay, shuru se shuru karte hain. Ye channel start kyun kiya tha? I started this channel to get more leads for our immigration business. So The Immigration Gurus is the consultancy जो धीरज और ज्योति ने स्टार्ट की थी when I was going to Canada, जो मैं दिसंबर 2019 में प्रोसेस सब हुआ था मेरा एंड आई रीच्ड कनाडा इन जैन 2020 तो पीएचडी के लिए मैं गया था एंड फर्स्ट फाइल शायद मेरी ही थी जो धीरज ने हैंडल की थी एंड आई रीच देयर देन कोविड हैपेंड कोविड में सब कुछ ऑनलाइन हो गया माय पीएचडी वाज आल्सो ऑनलाइन माय फैमिली वाज हियर सो आई गेट ए चांस टू कम हियर टू इंडिया तो उसके बाद व्हेन आई केम बैक जून में मैं वापस आया था लास्ट ईयर तो उस टाइम धीरज के पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स केसेस थे जिसमें करण का केस था शर्मा जी का केस था कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन के केसेस थे कुछ नॉन एसडीएस वाले केसेस थे जिसमें आइल स्कोर कम था सो ही हैड सो मेनी कॉम्प्लेक्स केसेस और उन केसेस के अंदर ही वॉन्टेड समवन टू राइट गुड एसओपीज आई हैड एक्सपीरियंस ऑफ इमिग्रेशन आई हैड एक्सपीरियंस ऑफ कैनेडा आई हैड एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग आई हैड सम कॉमन सेंस So all together, I was able to write good SOPs for Dheeraj for all those cases. And in beginning, after writing all those SOPs, I was more confident that I can really do good things in this business as well. So kuch karna tha part time because PhD to chal rahi thi. Whatever stipend I was getting for PhD, wo aa raha tha. So that was not an issue. But main wahan se paise nahi mangana chahta tha. So I wanted to earn little bit here in India as well. So earn more than my stipend. So uske for that pocket money or for that extra money I started working with Dheeraj then we needed to have more leads ab wo leads kahan se aayenge so social media is one thing because everything is online okay I had knowledge about immigration especially about canada immigration so I started making videos about canada so jitne bhi videos thi jo meri knowledge the I started delivering that knowledge ab usme starting mein aur abhi mein kya difference hai लेट्स डिस्कस दैट डिफरेंस कि अब ओवरऑल पिक्चर में जैसा स्टार्ट हुआ था और अभी में क्या क्या डिफरेंसेस है सो व्हेन आई केम बैक दैट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल तो उस टाइम पे मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था आई हैड जीरो एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग वीडियोस तो अभी पे मैं वीडियोस जूम पे ही बनाता हूँ आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस ऑन जूम आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग देम तो लगा कि यस आई कैन रिकॉर्ड देम तो उसमें जूम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अभी भी मैं जूम पे ही रिकॉर्ड करता हूँ देन एडिटिंग का कोई मुझे एक्सपीरियंस नहीं था देन मोवावी सॉफ्टवेयर मुझे लगा कि आई कैन यूज इट तो विंडोज के लिए था आई डाउनलोडेड इट आई स्टार्टेड यूजिंग इट तो उसका प्राइस बहुत कम था 2000 रुपीज फॉर एंटायर लाइफ टाइम ओके लेट्स बाय इट बहुत बड़ा एक्सपेंस नहीं है देन आफ्टर दैट आई स्टार्टेड एडिटिंग तो उसमें एडिटिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं था सो मेरी वीडियो स्टार्टिंग में बहुत रो होती थी एंड अनलकीली उस टाइम पे मुझे लाइटिंग का कुछ पता नहीं था तो लाइट मैंने परचेज नहीं की थी देन इस रूम में लाइटिंग बहुत कम रहती थी देन माय कॉम्प्लेक्शन जनरली लोग कनाडा से आते हैं तो उनकी कॉम्प्लेक्शन फेयर हो जाती है मैं वहां से काला होकर आया तो माय फेस वाज रियली ब्लैक बिकॉज ऑफ यूजिंग सम बैड क्रीम और समथिंग अभी तो बहुत फर्क हो गया नाउ आई एम अ लॉट बेटर बाल भी कुछ वैसे थे एंड सो मेनी इश्यूज सो ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन थी एडिटिंग थी तो ओवरऑल प्रेजेंटेशन बहुत बुरी थी पीपल हु गॉट कनेक्टेड विद मी वॉज माई कंटेंट सो आई वॉज रियली blunt in saying whatever I knew or whatever is right. So due to those things, people got connected with me. But presentation में बहुत issue था. Presentation के अलावा, I was unable to actually crack the algorithm of YouTube, जिसमें बहुत सारे issues थे. Keywords गलत, then titles गलत. तो वो मुझे SEO जो optimization का तो कुछ भी पता नहीं था. I'm still learning it. अभी तक भी सीखा नहीं है. But उस time पे तो बहुत ज़्यादा बुरा था. Recently I improved on those things. और मेरे जो थंबनेल्स थे दोज वर आल्सो नॉट रियली गुड तो जो वीडियोस चली लोगों ने रेकमेंड किया वही वीडियोस चली जितनी भी चली बट आई वाज हैविंग ए हार्ड टाइम
पहले 100 सब्सक्राइबर्स जल्दी हो गए थे बिकॉज देवर ड्यू टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, लेकिन आपके हजारों रिलेटिव्स नहीं होते हैं एंड दैट्स वाई मेकिंग इट टू 1000 took 6 months. तो 6 महीने लग गए मुझे यहाँ तक बनाने में. उसमें एक और प्रॉब्लम थी, द प्रॉब्लम ऑफ नॉट गिविंग वीडियोज फॉर 3 months. तो अगस्त और सितंबर में तो वीडियोज आई, उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर में वीडियोज नहीं आई बिकॉज ऑफ माई पी एच डी वर्क, बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स. कंसल्टेंसी में भी जितने हमारे जो भी क्लाइंट्स थे उनके साथ डील करने में या जो भी लीड जनरेट हो रही थी उनके साथ डील करने में, एंड इट वॉज ऑल्सो ए न्यू थिंग फॉर मी. यस आई न्यू इमिग्रेशन, बट अगेन डीलिंग विद क्लाइंट्स, नोइंग स्टडी वीजा लॉट मोर, नोइंग अदर थिंग्स, तो उन सब चीजों के अंदर भी टाइम लग रहा था. सो अडॉप्टिंग टू ऑल दोस थिंग्स टुक टाइम. एंड इन बिटवीन दिस टाइम्स क्या कंटिन्यू था, सिर्फ संडे लाइव. तो मैं सिर्फ संडे लाइव कर रहा था टू गेट द थिंग्स गोइंग ऑन यूट्यूब चैनल. सो आई हैव मेड 24 लाइव्स टिल नाउ. तो एक संडे शायद मैंने मिस किया है, अदर देन दैट आई हैव लाइव्स ऑन एवरी डे. तो 24 लाइव्स एंड 59 वीडियोस अभी तक इस चैनल पे हैं, एंड आफ्टर दैट आई हैव अचीव्ड 1000 सब्सक्राइबर्स. सो आई हैव सीन सो मेनी वीडियोस जिसमें होता है अचीव 1000 सब्सक्राइबर्स इन वन डे, अचीव 5000 सब्सक्राइबर्स इन वन वीक, और ऐसी ऐसी करके वीडियोस अभी मैं देखना स्टार्ट किया है मैंने. एंड कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, आई एम लर्निंग दोज थिंग्स स्टिल. और ये वाला जो दिसंबर 17 के बाद मैंने जो वीडियोस बनाई है, आई हैव इम्प्रूव्ड ऑन द क्वालिटी ऑप्टिमाइजेशन या वो सब चीजें, मैं अभी थोड़ा थोड़ा मैंने उन पे इम्प्रूव करना स्टार्ट किया है. कीवर्ड्स कौन से डालने हैं, इंट्रोडक्शन में डिस्क्रिप्शन में क्या डालना है, टाइटल क्या रखना है. सो आई एम वर्किंग अलॉट ऑन दैट, एंड आई एम वर्किंग ऑन द कंटेंट एज वेल कि कैसे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं, पहले हुक डालना है एंड हाउ टू डू अदर थिंग्स एज वेल. तो आई एम ट्राइंग टू मेक इट बेटर, बट स्टिल देर इज अ लॉट स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन दिस चैनल, आई नो दैट. बट इससे अभी मुझे गेन क्या हुआ है एंड करते रहने से बेनिफिट क्या हुआ है, आई वॉन्ट टू शेयर इट. सो आई स्टार्टेड इट, आई न्यू आई एम नॉट ग्रेट प्रेजेंटर और जैसा भी है वीडियो में चाहे एडिटिंग में, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग. और मुझे इसका बेनिफिट भी हुआ, वी हैव हैड लाइक हंड्रेड्स ऑफ लीड्स फ्रॉम दिस चैनल. सभी कन्वर्ट नहीं हुई होंगी, लेकिन मैंने शायद 100-200-300 लोगों से तो शायद मैंने फोन पे भी बात की होगी. दे हैव वॉच्ड माई वीडियो, दे कॉल्ड मी और उनसे मैंने बात की है. उनमें से शायद अभी हमारे पास 100 से ज्यादा ग्रुप्स हैं जो एडमिशन वाले ग्रुप्स हैं. आप लोगों ने भी अगर आप मेरे साथ इफ यू हैव टेकन कंसल्टेंसी विद मी और आप हमारे साथ एडमिशन के लिए जा रहे हैं, सो आपका भी ग्रुप बना होगा. सो वी हैव व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें मैं होता हूँ, धीरज है, ज्योति है एंड द क्लाइंट एज वेल. तो हम एक ऐसा ग्रुप बना देते हैं सो दैट द कम्युनिकेशन इज फ्रीक्वेंट, कम्युनिकेशन इज राइट. तो जिसको जो भी प्रॉब्लम है हम व्हाट्सएप पे ही सब कुछ शेयर कर लेते हैं एंड एवरीथिंग इज ऑनलाइन. हमारे रिमोट क्लाइंट्स बहुत ज्यादा हैं, इंटरनेशनल भी हैं, दुबई से एंड दुबई, बहरीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूरोप से भी क्लाइंट्स हैं. सो क्लाइंट्स आर फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेसेस, पीपल पिंग मी फ्रॉम एनीवेयर. तो एक ये बेनिफिट हुआ है इस चैनल से. सो लॉस क्या क्या हुआ है, लॉस इज सबसे पहले तो टाइम का लॉस हुआ है. अभी तक मॉनेटरी बेनिफिट कुछ भी नहीं हुआ है. 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, 2100 वॉच आवर्स हैं, तो मॉनेटरी बेनिफिट्स चैनल से कुछ नहीं हुआ है, इमिग्रेशन से भी अभी आना बाकी है बिकॉज दिस इज ए कमीशन बेस्ड सिस्टम. तो हम ज्यादा डिपेंड करते हैं कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से हमें जो पैसा मिलता है, वी रिलाई ऑन दैट रादर देन चार्जिंग यू. सो दिस इज वन थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम दिस चैनल एंड यू गाइज. पैसा मैंने ज्यादा 3500 शायद मेरे सॉफ्टवेयर पे लगे हैं, उसका एक अपग्रेड भी मैंने ले लिया था. देन एक रिंग लाइट ली थी मैंने, 2000 रुपीज आई गेस ये खर्चा हुआ है. मेजर स्पेंडिंग इज माई टाइम जिसको मैं कहूंगा कि मैं बहुत सारा टाइम दे चुका हूँ इस चैनल को. एंड जितने भी क्लाइंट्स या जितने भी मुझे यहाँ पे कॉल आए हैं, कुछ कॉल्स एक्चुअली कन्वर्टेड विद मी, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉल्स और मैसेजेस भी हैं हु नेवर गॉट कन्वर्टेड. सो बेनिफिट क्या क्या हुआ है, आई हैव हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल. तो एक सेटिस्फेक्शन है थोड़ी सी कि जितने लोगों को यहाँ से बेनिफिट हुआ है, चाहे वो फाइल खुद से लगा रहे हैं या हमारे थ्रू लगा रहे हैं, सो एटलीस्ट उनको वो बेनिफिट हुआ है. देन आई हैव लर्नड, कुछ तो सीख ही गया हूँ यूट्यूब का, एडिटिंग का थोड़ा बहुत जो भी सीखा है, सो दैट इज अ बेनिफिट. थर्ड इज आपके साथ जो नेटवर्क बन गया है, सो I am thinking like you are a family now. तो आपके साथ ये सब शेयर करना एंड शेयरिंग द नॉलेज. और आपका ड्रीम especially जिनका कॉम्प्लेक्स केस है, like जिनका मैच्योर केस है, मैक्सिमम फैमिली वाले जो लोग हैं उनके केसेस, आई गॉट कनेक्शन विद दैम बिकॉज आई एम ए फैमिली मैन. सो मुझे भी लगता है कि
कौन जाएगा, कैसे जाएगा, इनका ड्रीम 30 की एज के बाद कैसे पूरा होगा, टू गेट कैनेडा पीआर, स्टडी वीजा एक चैनल है, हाउ टू गेट कैनेडा पीआर विद स्टडी, तो उसके ऊपर मेरा बहुत फोकस रहता है। तो मेरे मोस्टली केसेस ऐसे रहते हैं, कॉम्प्लेक्स केसेस, कुछ का मिसरिप्रेजेंटेशन का केस था, एक का AIP भी आ गया उसमें से, सो दैट इज अ ग्रेट सेटिस्फेक्शन की यार मिसरिप्रेजेंटेशन के बाद भी बच्चे का AIP आ गया है, वी आर होपिंग फॉर हिज वीजा, शायद उसको वीजा भी मिल जाएगा अभी फाइनल। सो ये एक सेटिस्फेक्शन है दैट आई गेट। देन लीड्स के लिए चैनल चलाया था, बहुत सारी लीड्स मिली हैं, अभी भी मिलती हैं, हर रोज लोगों के मैसेज आते हैं, लॉट ऑफ देम गेट कन्वर्टेड। और इसमें एक पॉलिसी का बहुत बड़ा हाथ है कि वी डोंट चार्ज एनीथिंग अपफ्रंट, पहले को चार्ज नहीं करते हैं, और फ्रेश केसेस तक बिल्कुल चार्ज नहीं करते हैं। सो इनिशियली वी हैड चार्जेस एज वेल, वीजा प्रोसेसिंग चार्जेस, लेकिन अभी वो भी हमने बंद कर दिया है। एंड जो कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं, मैच्योर केसेस होते हैं, उनके लिए भी पॉलिसी ये है, इफ यू गेट द वीजा, इफ अवर सर्विस वर्क्स फॉर यू, देन ओनली यू कैन थिंक ऑफ पेइंग, एंड दैट ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन यू। सो अभी तो आपकी लीड्स एंड यू स्टे विद अस, तो इसके लिए हमारी पॉलिसी यही है, वी डोंट चार्ज अपफ्रंट एनीथिंग, तो पहले कुछ वीजा प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं है, बाद में भी इन कॉम्प्लेक्स केसेस, मैच्योर केसेस, केसेस विद एक्सपीरियंस गैप, ऐसे जो केसेस होते हैं, वी लीव इट टू यू कि आप डिसाइड कर लें, इफ वी हैव फुलफिल्ड योर ड्रीम, अगर आप कनाडा पहुंच जाते हैं तो यू कैन पे फॉर योर ड्रीम। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो टू 10,000 सब्सक्राइबर्स, देन 1 लाख सब्सक्राइबर्स, एंड देयर इज नो लिमिट। So we don't know how much we will be able to grow this channel together, but till now it is really satisfactory in terms of learning, in terms of helping people, in terms of generating leads for our consultancy, in terms of turning those leads into clients and then admission and then visa processing. So all in all, I feel that it is really great for me, great for you guys as well, because you are getting the content for free. तो इस बात पे एक सब्सक्राइब तो बनता है। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर बीइंग द सब्सक्राइबर ऑफ दिस चैनल, बीइंग द व्यूअर ऑफ दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।